जौनपुर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने में तकनीकी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस योजना के तहत कई अपात्रों के नाम भी सूची में शामिल हो गए हैं। सत्यापन के दौरान आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पात्रों की जानकारी जुटाने और उन्हें योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रेरित करने पहुँच रही हैं, लेकिन सूची में शामिल लोगों के नाम और पते नहीं मिल रहे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके आलिशान बिल्डिंग व महल लहर रहे। इस सत्यापन के दौरान अब तक लगभग 850 से अधिक ऐसे नाम सामने आ चुके हैं जिनमें नाम, पता, जाति, उम्र आदि की त्रुटियां हैं। गांव जाते ही पता चलता है कि संबंधित नाम का कोई व्यक्ति गांव में रहता ही नहीं है। इसके अलावा नाम, पते और जात में भी तकनीकी त्रुटि आ रही है। ऐसे लोगों के सामने योजना का लाभ लेने में मुश्किलें पैदा हो गई हैं। वहीं सागर नगर पालिका के क्षेत्रों में अपात्रों का नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान गोल्डन कार्ड की सूची में आने पर सभासदों ने उपजिलाधिकारी को एक पत्र देकर पूरे मामले की जांच कराकर पात्रों को सूची में शामिल करने को कहा। गड़बड़ी का मामला है, क्या है पूरा मामला? हेल्थ कार्ड में गड़बड़ी का मामला ये तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे पास में जो लगभग 1900 लोगों की सूची जो है वो भेजी गई है, उसमें से लगभग जो है 1150 लोग हैं जिनका हम लोगों ने हेल्थ कार्ड बना दिया है। गवर्नमेंट का मतलब आयुष्मान गोल्डन कार्ड जो है वो उनको 1150 लोग जो हमारे नगर में थे वो उनको बन करके मिल चुका है, लेकिन 874 ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग सर्वे कर रहे हैं। हम और SDM साहब और साथ में हमारा नगर निगम के समस्त कर्मचारी लगे हुए हैं, वो 874 लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। हमने अनाउंसमेंट भी करवाया है मस्जिदों और मंदिरों से, जो धार्मिक जो प्लेसेस हैं वहाँ से भी अनाउंसमेंट करवाया है, सोशल मीडिया के थ्रू, पत्रकार जो है समाचार पत्रों के थ्रू और फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू भी चारों तरफ हमने ये अनाउंसमेंट करवाया है, लेकिन कोई भी हमारे पास में जो 874 छूटे हुए लोग हैं उसमें से बनवाने के लिए कोई निकल के आ नहीं रहा है। पात्रों के भी नाम लिस्ट में क्या है? कुछ इस तरह जो सर्वे चूंकि 2011 में हुआ है तो 2011 के सर्वे में हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो अभी इस समय अपात्र हों, लेकिन उस समय पात्र रहे होंगे, गरीबी रेखा की श्रेणी में आते रहे होंगे, वो नाम कुछ इस तरह के लोगों के जो है सुनाई पड़ रहे हैं कि, लेकिन चूंकि ये जनगणना 2011 के ऊपर निर्भर है, उसी समय बनाई गई है, तो ये उसी के जो है मानक के तहत बनी है, तो ये है। क्या आज मामला जो आपने ज्ञापन दिया, क्या है पूरा मामला? हम सभी सभासद बंधु के पास लगातार फोन आते भी हैं, और जिसमें जो स्वास्थ्य कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आयुष्मान योजना का जो कार्ड बनाया गया है उसमें नगर पालिका सीमा अंतर्गत कम से कम 70% लोगों के कार्ड जो गलत तरीके हैं, जिनके नाम नहीं है वार्डों में, कोई अता पता नहीं है। तो हम लोगों ने आज उप जिलाधिकारी महोदय के पास ज्ञापन दिया है, उन सूची में जाँच करा कर उन लोगों के नाम काट कर जो उस लाभार्थी हों, जो वर्तमान स्थिति में नगर पालिका परिसीमा के अंदर रहते हों, उन लोगों के नाम उसमें जोड़े जाएं जो उसके पात्र हों। जी लापरवाही, ये 2011 की जनसंख्या जनगणना के आधार पर हुआ है, ये उस समय की जो तत्कालीन सरकार रही होगी उस समय ये जांच करके नहीं बनाया गया। सुनील कुमार अग्रवाल, मैं मंडल अध्यक्ष भाजपा सागंज और नगर पालिका का सभासद का प्रतिनिधि भी हूँ।